आज ये समस्त संसार में सिद्ध हो गया है कि शनि में महादेव से अधिक बल अधिक सामर्थ्य है। ये कैसी हट है आपकी शनिदेव? महादेव है ये, सृष्टि का संतुलन चलाने वाले महादेव। यदि आपने इन पर से अपनी साढ़े सती नहीं हटाई तो सारी सृष्टि का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। शनिदेव, वो सब आप देवी देवता जाने, ये मेरा कार्य नहीं है। देवता आप भी है शनिदेव। अपना बल सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि को मत त्यागिए। सुना महादेव, देख रहे हैं आप नारायण को कितने कटु शब्दों से बात कर रहे हैं। समझाइए इन्हें। नारायण, आप इस प्रकार शनिदेव से बात नहीं कर सकते। शनिदेव से बात नहीं कर सकते। शनिदेव से बात नहीं कर सकते। एक परामर्श दूं नारायण, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हो ना, उनसे थोड़ा धीमे स्वर में बात करना चाहिए। अब किसी में भी साहस नहीं जो शनि को ललकार सके, जो शनि को ललकार सके, जो शनि को ललकार सके। ये भ्रम है आपका शनिदेव, क्योंकि आज आपको ललकार ने स्वयं आदि शक्ति आई है। आप ही से आशा है आदि शक्ति। अंत? अभी तो मेरा ये खेल आरंभ ही हुआ है देवी। जिसे आप भी नहीं रोक सकती, जिसे आप भी नहीं रोक सकती। महादेव, देवी आदि शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। देवी आदि शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। देवी आदि शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। अवश्य शनिदेव। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता शनिदेव, नहीं बचा सकता शनिदेव, नहीं बचा सकता शनिदेव। महादेव, क्या कर रहे हैं आप? आदि शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। आदि शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। Thank you.
कैसा दुस्साहस है आपका शनिदेव? महादेव के विरुद्ध आदि शक्ति को खड़ा कर रहे हैं आप? मत भूलिए, शनि हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं। देवी, मैं आपको शनिदेव पर वार नहीं करने दूंगा, शनिदेव पर वार नहीं करने दूंगा, शनिदेव पर वार नहीं करने दूंगा। अद्भुत खेल रचा है शनिदेव ने। उनके प्रकोप ने पहली बार शिव और शक्ति को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, सामने खड़ा कर दिया, सामने खड़ा कर दिया। तुम सब मौन क्यों हो? जयघोष करो शनिदेव का, उद्घोष करो उनकी शक्तियों का। शनिदेव की जय! सुना मेरा जयघोष, मेरी शक्ति का उद्घोष। नारायण, ब्रह्मदेव, देवऋषि और देवी, आपने अब ये समस्त संसार मेरे बल, मेरे प्रभाव और मेरी श्रेष्ठता के गुण गाएंगे, और मेरी श्रेष्ठता के गुण गाएंगे, और मेरी श्रेष्ठता के गुण गाएंगे। चाहिए मेरे मार्ग से। ये शनिदेव के जय घोष का नहीं, उन्हें दंड देने का समय, दंड देने का समय, दंड देने का समय। ये देवी, मैं आपको शनिदेव तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हुआ नारायण। अब मेरी 7.5 के प्रभाव से अब यूं ही अगले 7.5 सालों तक मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव से महादेव मेरे और आदि शक्ति के बीच ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और तब तक मैं इस संसार में अपनी महिमा स्थापित कर चुका हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी भी क्या शीघ्रता है शनिदेव, तनिक धैर्य रखिए। पूरा घटनाक्रम तो देखते जाइए। पहले ममता ने एक पुत्र को आपके प्रभाव से मुक्त किया था, अब शक्ति का प्रेम महादेव की ढाल बनेगा, महादेव की ढाल बनेगा, महादेव की ढाल बनेगा।
महादेव, आपकी शक्ति को बहुत भूख लगी है, फल नहीं लाएंगे। एक बार आप मेरे लिए बेर तोड़कर लाए थे और इन्हीं हाथों से आपने मुझे खिलाया था। देवी, ये बेर मैंने स्वयं तोड़े हैं, खाइए। पटुकनाथ शिवो हम शंकरा सती सर्वेश्वरी राज राजेश्वरी शिव की है गगनधरा युगो युगो के नीति युगो युगो से मिल रहे ऐसा प्रीत का है बंधन जुड़ा शिव पूर्ण है शक्ति स्वयं पूर्ण है ऐसा प्रीत दूर है जो टूटे महादेव आज भी आपके हाथों से बेर खाना चाहती हूँ ला दीजिए ना अवश्य देवी महादेव रुक जाइए कहां जा रहे हैं आप मेरी रक्षा कीजिए महादेव आप ऐसे नहीं जा सकते संभव नहीं हो सकता संभव है शनिदेव प्रेम का पाश हर दुष्प्रभाव को काटने की क्षमता रखता है पर यह तो शिव शक्ति का प्रेम है समय की बेड़ियों से मुक्त ब्रह्मांड के आरंभ से संसार के अंत तक रहेगा संसार के अंत तक रहेगा संसार के अंत तक रहेगा बारी आपकी है शनिदेव बच सकते हैं
तो बचिए इस पवित्र प्रेम की आंच से। नहीं माता, रुक जाइए माता। यदि आज आपने मेरा संहार किया तो आपकी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। मार नहीं सकती किंतु तुम्हें दंड तो दे सकती हूँ, दंड तो दे सकती हूँ, दंड तो दे सकती हूँ, जिससे तुम जीवित भी रहोगे और नारायण, यही आपका न्याय, यही आपका नियम। मुझे जो शक्ति मिली, यदि मैंने उसका प्रयोग महादेव पर किया तो मैं देवी आदि शक्ति के दंड का भागी बन गया। यदि ऐसा है तो किस काम की है ये शक्ति? यदि आज मुझे कुछ भी हुआ तो समस्त संसार न देवताओं पर विश्वास करेगा, न त्रिदेवों पर, और ना ही देवी आदि शक्ति पर, और ना ही देवी आदि शक्ति पर, और ना ही देवी आदि शक्ति पर। शनि को किसी का भय नहीं। आप मुझे आज जो भी दंड देगी वो मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। मनुष्य के हर संबंध का आधार अपेक्षा है। अपेक्षाओं के इस जाल में मनुष्य इस प्रकार उलझ जाता है कि वो प्रेम जैसे पवित्र बंधन को भी उसी से जोड़ता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। मानव इस उधेड़ बुन में इतना फंस जाता है कि यह तक भूल जाता है कि अपेक्षाओं का एक नियम है, भंग होना। इसलिए अपेक्षाओं के माया जाल से स्वयं को बाहर निकालकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए जीवन कैसे सुंदर बन जाता है।